आज हमारा सब्जेक्ट है वर्कशॉप टेक्नोलॉजी वन और हम अपने सेकेंड यूनिट यानी कि फाउंड्री टेक्निक्स शुरू कर रहे हैं। फाउंड्री टेक्निक्स में क्या है, आज हम सबसे पहले बात करेंगे पैटर्न मेकिंग के बारे में, यानी कि हम इस चैप्टर में बात करेंगे कि पैटर्न क्या होता है, पैटर्न क्या है, पैटर्न के टाइप्स क्या होते हैं, उसके बाद जो पैटर्न में हम मटेरियल यूज करते हैं कि पैटर्न किस मटेरियल का बना होता है, कोर क्या होती है, कोर बॉक्स क्या होते हैं, कोर प्रिंट क्या होती है, इस चैप्टर में हम इन चीजों के बारे में क्या करेंगे जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं पैटर्न कि पैटर्न क्या होता है। तो पैटर्न क्या है, पैटर्न में भी डिफाइन एज ए मॉडल और रिप्लिका ऑफ डिजायर कास्टिंग विच इज यूज फॉर मेकिंग कैविटी इन द मोल्ड। कि पैटर्न क्या है, पैटर्न मान लीजिए हमने कोई एक मॉडल या फिर हमने किसी चीज की नकल बनाई है जो हम कास्टिंग करना चाहते हैं। हमने क्या है, किसी चीज को कास्ट करना है, हमारे पास क्या है, कोई चीज है, हम उसकी कास्टिंग करना चाहते हैं, लेकिन कास्टिंग करने से पहले हम उसके सेम जैसा कोई मॉडल या फिर उसकी रेप्लिका जैसे कोई नकल तैयार करते हैं ताकि हम अपने मोल्ड अपने पैटर्न के अंदर अपने जो मोल्ड हम तैयार करेंगे उसके अंदर हम कैविटीज को क्या कर सके, तैयार कर सके। हम क्या करें, कैविटीज को तैयार कर सके। मोल्डन मेथड होगी, हम उसको क्या करेंगे, पोर करेंगे, पोर करेंगे उसके बीच में, मोल्ड के बीच में, और हम पैटर्न यूज करेंगे ताकि हम क्या करें, कैविटीज को बना सके, कैविटीज को बना सके। तो देखो कि लिखेंगे कैसे कि पैटर्न क्या होता है, इट इज ए मॉडल। क्या है ये, एक मॉडल होता है जो कि किसका होता है, डिजायर कास्टिंग, जो हम कास्टिंग करना चाहते हैं उस कास्टिंग का एक मॉडल तैयार करते हैं। और इसका हम यूज किस लिए करते हैं, यूज हम करते हैं मेकिंग कैविटीज इन द मोल्ड, मोल्ड के अंदर कैविटीज बनाने के लिए हम यूज करते हैं पैटर्न का, ठीक है। इनटू विच मोल्डन मेटल इज पोर्ड, और उसके बीच में हम क्या करते हैं, मोल्डन मेटल को पोर करते हैं। तो हम क्या लिखेंगे पैटर्न के अंदर, इट इज ए मॉडल, इट इज ए मॉडल, ये क्या है, इट इज ए मॉडल, ये एक मॉडल है, या फिर आप इसको बोल सकते हो रिप्लिका, आर ई पी एल आई सी ए, ठीक है। इसका मतलब होता है नकल, यानी कि हमने कोई चीज बनाई है, हमने कोई चीज बनाना चाहते हैं तो हम पहले उसकी बिल्कुल हूबहू क्या करेंगे, एक नकल तैयार कर लेंगे, यानी कि मॉडल बना लेंगे, ठीक है। रेप्लिका ऑफ डिजायर शेप, रेप्लिका ऑफ ऑफ डिजायर कास्टिंग, कि जो हम कास्टिंग तैयार करना चाहते हैं कि पैटर्न क्या है, इट इज ए मॉडल, ये एक मॉडल होता है ऑफ डिजायर्ड कास्टिंग, कि जो हम कास्टिंग तैयार करना चाहते हैं उस कास्टिंग का एक मॉडल होता है, विच इज यूज्ड फॉर, ठीक है, कास्टिंग विच इज यूज्ड फॉर, विच इज यूज्ड फॉर मेकिंग कैविटीज, मेकिंग कैविटीज, जिसका हम यूज किस लिए करते हैं, कैविटीज बनाने के लिए, हम किस में यूज करते हैं, कैविटीज के लिए, कैविटीज यानी कि जो छोटे छोटे होल्स हम तैयार करते हैं मोल्ड के अंदर, कैविटीज इन द मोल्ड, कैविटी इन द मोल्ड, इन द मोल्ड, मोल्ड के अंदर कैविटीज बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम यूज करते हैं पैटर्न का, हम किसका यूज करते हैं पैटर्न का, यानी कि एक मॉडल का जो हमने अपनी डिजायर कास्टिंग के अकॉर्डिंग तैयार किया है। उसके बाद इन इनटू या इन विच मोल्टन मेटल, मोल्टन मेटल इज पोर्ड, मोल्टन मेटल इज पोर्ड, और उसके अंदर हम क्या करते हैं, जो हमारी मोल्टन मेटल होती है उसको पोर करते हैं टू प्रोड्यूस द कास्टिंग, टू प्रोड्यूस द, टू प्रोड्यूस द कास्टिंग, टू प्रोड्यूस द कास्टिंग, कि कास्टिंग को प्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अंदर मोल्टन मेटल को पोर करते हैं, यानी मोल्टन मेटल को उसके अंदर हम डाल देते हैं ताकि हम उससे अपनी जो डिजायर कास्टिंग है, जो हम कास्टिंग तैयार करना चाहते हैं उस कास्टिंग को क्या कर सके, बना सके। इसके अलावा क्या होती है, जो हम मॉडल तैयार करते हैं, जो हमने मॉडल तैयार किया, यानी कि जो पैटर्न, वो बिल्कुल जैसी हमारी डिजायर कास्टिंग होती है वैसा नहीं होता, उससे थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, उससे थोड़ा बहुत अलग होता है, क्योंकि इसके बीच जब भी हम पैटर्न तैयार करते हैं तो पैटर्न के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ अलाउंस देते हैं, जैसे इसके अंदर श्रिंकेज अलाउंस होता है, ठीक है, मशीनिंग अलाउंस होता है, हम अलाउंस प्रोवाइड करवाते हैं,
हमेशा जो भी हमारा मॉडल होगा या पैटर्न होगा वो लार्जर होगा, वो क्या होगा, लार्ज होगा डिजायर कास्टिंग की साइड, डिजायर कास्टिंग से जो भी हमारी डिजायर कास्टिंग होगी, जो हम पार्ट बनाना चाहते हैं और जिस पार्ट से बना रहे हैं यानी कि पैटर्न, पैटर्न का जो साइज होगा वो हमेशा हमारे डिजायर कास्टिंग से क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा होगा। ठीक है, उसके अंदर अलाउंस होंगे, जैसे श्रिंकेज अलाउंस हो गया, मशीनिंग अलाउंस हो गया। ठीक है, इनके बारे में आगे हम बात भी करेंगे कि श्रिंकेज अलाउंस और जो हम बोल रहे हैं मशीनिंग अलाउंस क्या होता है। ठीक है, तो ठीक है, एक बार अभी फिर से देखो, ये हमने बात की पैटर्न की। तो पैटर्न क्या होता है, हमने कोई कास्ट करना है, मान लीजिए ये हमारे पास चीज है, हम इसको कास्ट करना चाहते हैं, हमने ये चीज बनानी है, इसी तरह से शेप बनानी है। तो ऐसा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक नकल यानी कि इसके सेम जैसा हम एक पैटर्न तैयार कर लेंगे। हम क्या करेंगे, मॉडल मान लीजिए, एक पैटर्न तैयार कर लेंगे। उसका काम क्या होगा, जो कैविटीज है हमारे पैटर्न के अंदर, क्या करना, जो हमारा मोल्ड होगा, जैसे हमारा मोल्ड होगा ना, मोल्ड के अंदर हम सैंड से भर के हमने मोल्ड बनाया होगा, तो मोल्ड के अंदर जो कैविटीज है, मान लीजिए ये कैविटीज है, इनको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पैटर्न का यूज करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इनके अंदर क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को पोर कर देंगे। हम क्या करेंगे, मोल्टन मेटल को पोर करेंगे, और जब हम इसको निकालेंगे यानी कि जब सॉलिडिफाई हो जाएगा, जब हमें निकालेगा तो सेम हमें इसी तरह की क्या मिल जाएगी, शेप मिल जाएगी। जैसी इसमें शेप होगी वैसी ही हमें शेप प्राप्त हो जाएगी। फर्क इसमें क्या है, एक जो पैटर्न हम तैयार करते हैं, जो मॉडल हमने बनाया है, जो नकल बनाई है डिजायर कास्टिंग की, उसका साइज हमेशा ज्यादा होता है हमारी डिजायर कास्टिंग से। कि हम मान लीजिए ये चीज बनाना चाहते हैं, हमने प्रॉपर ये चीज बनानी है, लेकिन जो हमारा मॉडल होगा या पैटर्न होगा उसका साइज क्या होगा, इससे थोड़ा सा क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी कि साइज इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, ताकि हम उसको जब निकालें, जब हमारा मोल्ड यानी कि पैटर्न वगैरह जो डिजायर कास्टिंग है, जब वो पूरी तरह से तैयार हो जाए, जब हम उसको बाहर निकालें तो वो प्रॉपरली क्या हो, ठीक हो, यानी कि आसानी से निकल जाए, कहीं बीच में टूट फूटे ना। ठीक है, तो वो चीज। इसके अलावा आपको क्या बताया कि इसके अंदर जो भी हम पैटर्न तैयार करते हैं ये लार्ज होता है साइज में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ अलाउंस प्रोवाइड करवाए जाते हैं, जैसे श्रिंकेज अलाउंस होता है, मशीनिंग अलाउंस होता है, क्योंकि हमने पैटर्न, हमने डिजायर कास्टिंग तैयार कर ली, लेकिन जब हम उसको निकालेंगे तो हम उस पर कुछ मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे। ठीक है, पैटर्न मशीनिंग ऑपरेशन करेंगे, उसका अलाउंस भी आएंगे, तो इस वजह से जो हमारा पैटर्न का साइज होता है वो हमेशा डिजायर कास्टिंग से क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये हमने बात की पैटर्न के बारे में। ठीक है, ये हमने किसके बारे में बात की, पैटर्न के बारे में। एक बार फिर से पढ़ लो कि इट इज ए मॉडल और रिप्लिका, यानी कि नकल वगैरह, कि एक मॉडल होता है ऑफ डिजायर कास्टिंग, जो हम कास्टिंग, जो हम प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, जो हम पीस बनाना चाहते हैं, उसकी एक मॉडल होता है, विच इज यूज, जिसका हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग कैविटीज इन द मोल्ड। मोल्ड के अंदर कैविटीज बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पैटर्न का, मॉडल का। इन विच मोल्डन मेटल, और उसके बीच में हम क्या करते हैं, मोल्डन मेटल को पोर करते हैं टू प्रोड्यूस द कास्टिंग। कास्टिंग को प्रोड्यूस करने के लिए मोल्डन मेटल को हम क्या करते हैं, पोर करते हैं हमारी मोल्ड के अंदर जो कैविटीज बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमारा हुआ पैटर्न। अब हम बात करते हैं पैटर्न के मटेरियल के बारे में। ठीक है, हम बात करेंगे अभी पैटर्न के मटेरियल के बारे में कि कौन कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं पैटर्न में। ठीक है, अपना नेक्स्ट टॉपिक है, टॉपिक का नाम है पैटर्न मटेरियल। ठीक है, टॉपिक है ये अपने पैटर्न के बारे में, तो आपको पता लगा कि पैटर्न क्या होता है। अब हम बात करते हैं पैटर्न बनाने के लिए हम कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, पैटर्न बनाने के लिए हम कौन कौन से मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है, टॉपिक है हमारा पैटर्न मटेरियल। ठीक है, पैटर्न मटेरियल बोल सकते हो या मटेरियल्स, पैटर्न मटेरियल्स कि कौन कौन सा मटेरियल हम यूज करते हैं। सबसे पहले तो जो भी हम मटेरियल यूज करेंगे, हमारे मटेरियल की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है कि हमें ऐसा मटेरियल यूज करना है पैटर्न बनाने के लिए। ठीक है, कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, जैसे लाइट इन वेट की अगर हम रिक्वायरमेंट की बात करें, रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, कि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है मटेरियल की। जब भी हम पैटर्न बनाने के लिए मटेरियल को चूज करेंगे तो मटेरियल की, पैटर्न की कुछ रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा मटेरियल ऐसा होना चाहिए। अगर मटेरियल के अंदर ये विशेषताएं हैं तभी हम उस मटेरियल का यूज करेंगे पैटर्न को बनाने के लिए। जैसे लाइटिंग वेट, जब भी हम मटेरियल यूज करें
तो मटेरियल लाइट होना चाहिए वेट में, तभी हम उसका यूज कर सकते हैं। किसमें यूज कर सकते हैं? पैटर्न में। तो हमें रिक्वायरमेंट में आ जाएगा लाइट इन वेट, कि जो वेट है वो लाइट होना चाहिए, इजिली वर्क, और ऐसा मटेरियल यूज करना चाहिए पैटर्न को बनाने के लिए कि उस मटेरियल पे हम आसानी के साथ क्या कर सके, वर्क कर सके, ठीक है, उसको शेप दे सके आसानी के साथ। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, कॉस्ट भी कम होना चाहिए कि आसानी से हमें मिल जाए, मार्केट में आसानी से हमें मिल जाए, और उसके पे कॉस्ट जो है वो भी कम हो। तो हम क्या लिखेंगे कि हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि जो हमारा मटेरियल है वो कैसा होना चाहिए, लाइट इन वेट, जो उसका वेट है वो कम होना चाहिए, हल्का होना चाहिए मटेरियल, तब हम उसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? स्ट्रॉन्ग है, इजिली वर्क, आसानी से हम उस पर वर्क कर सके, ठीक है, इजिली वर्क, आसानी से हम उसके ऊपर वर्क कर सके, और उसका लो कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से काफी है, लो कॉस्ट होना चाहिए, इसके अलावा आसानी से हम उसको शेप कर सके, उसकी शेप बना सके, ठीक है। गुड सरफेस फिनिश होना चाहिए, गुड सरफेस फिनिश होना चाहिए, ये क्या है, गुड सरफेस फिनिश होना चाहिए। ये हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं पैटर्न के लिए। जब भी हमने मटेरियल चूज करना है पैटर्न के लिए, तो मटेरियल हमारा क्या होना चाहिए, मटेरियल में ये कुछ विशेषताएं होनी चाहिए कि मटेरियल का वेट कम होना चाहिए। अगर हमारा लाइट वेट है तभी हम उसको पैटर्न में यूज कर सकते हैं, पैटर्न बनाने में। स्ट्रॉन्ग होना चाहिए मटेरियल, हार्ड भी होना चाहिए, इजिली वर्क, कि हम आसानी से उसके ऊपर वर्क कर सके। लो कॉस्ट होना चाहिए कि आसानी से हमें किसी भी मार्केट से आसानी से मिल जाए, और उसका खर्च भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। गुड सरफेस फिनिश, और जो फिनिश है उसकी सरफेस की वो भी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं मटेरियल की, कौन कौन से मटेरियल हम यूज करते हैं। तो मटेरियल जो हम यूज करते हैं पैटर्न बनाने के लिए वो हमारा होता है वुड, वुड के बाद मेटल, ठीक है, प्लास्टिक, ठीक है। ये तीन हमारे इंपॉर्टेंट मटेरियल है जो हम यूज करते हैं पैटर्न को बनाने के लिए, वुड यानी कि लकड़ी, मेटल यानी कि जो हमारी धातु होती है, और प्लास्टिक। प्लास्टिक का हम यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं, जो भी हमारी मटेरियल है, जो भी हमारे लिए क्या मटेरियल, किसके मटेरियल है, पैटर्न के, पैटर्न को हम इन तीनों चीजों से बना सकते हैं। इसके अलावा पैटर्न में अगर बात करें तो जो प्लास्टर होता है या फिर वैक्स होती है, तो इनका भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, प्लास्टर या फिर मान लीजिए वैक्स, ठीक है, ये भी हमारे क्या है, मटेरियल है जिनका हम यूज कर सकते हैं पैटर्न को बनाने के लिए। अगर हम वुड की बात करें यानी कि लकड़ी की, तो इसका यूज हम करते हैं शॉर्ट रन, अगर हमें शॉर्ट पीस बनाने हैं, शॉर्ट वर्क पीस, या फिर बात करते हैं शॉर्ट रन प्रोडक्शन, ठीक है, कि अगर हमने ऐसा पैटर्न तैयार करना है जिस पैटर्न का यूज हमने छोटे वर्क पीस को बनाने के लिए, या फिर थोड़ा प्रोडक्शन कर ले, मतलब जहां पे ज्यादा प्रोडक्शन हो रही है वहां पे नहीं, जहां पे थोड़ी थोड़ी प्रोडक्शन हो रही है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन मतलब जहां पे कम प्रोडक्शन हो रही है, तो वहां पे हम वुड का यूज कर लेते हैं पैटर्न के रूप में। अगर हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन करनी है, शॉर्ट वर्क पीस तैयार करने हैं, शॉर्ट यानी कि छोटे छोटे वर्क पीस, ज्यादा बड़ी मात्रा में नहीं करने, तब हम लकड़ी का यूज कर लेते हैं पैटर्न को बनाने के लिए। हम किसका यूज कर लेते हैं, वुड का यूज करते हैं पैटर्न को बनाने के लिए। इसके अलावा जब हम बात करते हैं मेटल की, तो मेटल का यूज हम करते हैं जो भी हमारी लार्ज स्केल या फिर मास प्रोडक्शन के लिए, लार्ज स्केल या फिर बोल सकते हो जो हमारी मास प्रोडक्शन होती है, ठीक है, मास प्रोडक्शन, मास प्रोडक्शन में या फिर लार्ज स्केल पे अगर हमने कोई प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं, तब हम यूज करते हैं मेटल का पैटर्न को बनाने के लिए, ठीक है, तब हम यूज करते हैं मेटल का पैटर्न के अंदर, ठीक है। तो पैटर्न हम तब बनाते हैं किसका, मेटल का बनाते हैं। इसके अलावा जब हम बैच प्रोडक्शन करनी है, जब अगर बैच प्रोडक्शन हो यानी कि बैच बाय चल रहा हो अपना ऑपरेशन, जो भी अपनी वर्किंग है, अगर वो बैच प्रोडक्शन है, तब हम यूज करते हैं प्लास्टिक का, तब हम किसका यूज करते हैं, प्लास्टिक का। और ठीक है, इसी प्रकार प्लास्टिक का हो गया, जो हम जिप्सम है, जिप्सम का भी यूज कर लेते हैं बैच प्रोडक्शन में, और वैक्स का भी यूज कर लेते हैं जो हमारी बैच प्रोडक्शन,
ठीक है, बैच प्रोडक्शन में हम इनका क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। किनका यूज करते हैं, प्लास्टर और बैक्स का भी, कब, जब हमने बैच प्रोडक्शन हो और हमने पैटर्न तैयार करना हो। तो ये चारों पांचों क्या है, ये हमारे मटेरियल किसके मटेरियल है, पैटर्न के, कि हम पैटर्न वुड से भी तैयार कर सकते हैं, मेटल से भी तैयार कर सकते हैं, प्लास्टिक से भी, प्लास्टर से भी और वैक्स से भी, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कि हमने किस रिक्वायरमेंट, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, जब हम पैटर्न है हमारे पास, वो पैटर्न हम कितनी क्वांटिटी के लिए यूज कर रहे हैं, किस काम के लिए यूज कर रहे हैं और कितने समय के लिए यूज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग। अगर हमने थोड़े कम समय के लिए यूज करना है, हमने छोटी छोटी प्रोडक्शंस करनी है, हमने छोटे छोटे पार्ट्स बनाने हैं, तब हम यूज कर लेंगे वुड का। लेकिन अगर हमने लार्ज स्केल पे मास प्रोडक्शन के रूप में हमने पैटर्न का यूज करना है, तो हमेशा जो भी हम पैटर्न तैयार करेंगे वो पैटर्न होगा मेटल का। लेकिन जब हमने बैच प्रोडक्शन के रूप में काम करना है, हमने उस पैटर्न का यूज बैच प्रोडक्शन में करना है, तब हम यूज करेंगे प्लास्टिक का, ठीक है, प्लास्टिक मटेरियल का पैटर्न को बनाने के लिए। इसी प्रकार प्लास्टर और वैक्स का भी यूज करेंगे बैच प्रोडक्शन के रूप में हमारे पैटर्न को बनाने के लिए। तो ये हमारे पांच क्या थे, मटेरियल है जिनका हम यूज करते हैं पैटर्न को बनाने के लिए, ये हमारे क्या है, पैटर्न मटेरियल, ठीक है। इनकी अगर हम एडवांटेज की बात करें, तो एडवांटेज में वुड में क्या आ जाएगा कि चीप होती है, आसानी से मिल जाती है, लाइट इन वेट होती है, ठीक है, और इजीली हम इस पे वर्क कर सकते हैं, इजीली इसको कट कर सकते हैं एडवांटेज में, ठीक है। इस तरह से सबकी एडवांटेज आ जाएगी। जैसे अगर मेटल की बात करें, तो मेटल में भी क्या होता है, स्मूथ सरफेस होता है, हार्ड होती है, डिफॉर्म कम होती है, ठीक है। प्लास्टिक के अंदर भी आ जाएगा कि प्लास्टिक का यूज हम कितने हैं, तो प्लास्टिक को इजीली हम कास्ट कर सकते हैं, किसी भी शेप में अगर हम बनाना चाहे तो प्लास्टिक को आसानी से बना सकते हैं। हाई स्ट्रेंथ होती है, लो कॉस्ट ऑफ वर्किंग, जो वर्किंग का कॉस्ट आता है वो भी प्लास्टिक के ऊपर कम आता है, ठीक है। इसी तरह प्लास्टिक और वैक्स भी की आ जाएगी, एडवांटेज आ जाएगी, ठीक है। एडवांटेज में भी क्या आ जाएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, अभी तो सिर्फ इसमें क्या है, पैटर्न मटेरियल के बारे में पूछा गया है। अगर आपसे पूछ ले कि वुड है, तो वुड जो मटेरियल है पैटर्न का, अगर उसकी कुछ एडवांटेज बतानी हो, तो एडवांटेज में क्या हो जाए, लाइट इन वेट होती है, आसानी से हम इसको कास्ट कर सकते हैं, आसानी से हम इसको कट कर सकते हैं, इसका जो, ठीक है, आसानी से कट कर सकते हैं, इसके अलावा वेट भी इसका कम होता है, ठीक है, और शेप भी आसानी से, कोई भी डिजायर शेप है तो आसानी से डिजायर शेप में हम इसको बना सकते हैं, ठीक है, रिपेयर भी आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारी क्या हो जाएंगी, इनकी एडवांटेज, वुड, मेटल, प्लास्टिक, प्लास्टर और वैक्स की, ठीक है, ये एडवांटेज। अब हम बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ मटेरियल के बारे में, ठीक है। आज जो अब हम टॉपिक बात करते हैं टाइप्स ऑफ मटेरियल, ये तो हमने बात की, सॉरी, ये तो हमने बात की मटेरियल के बारे में पैटर्न के। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ पैटर्न, कि जो पैटर्न है वो कितने प्रकार का होता है, ठीक है, टाइप्स ऑफ पैटर्न। टाइप्स ऑफ पैटर्न हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, टाइप्स ऑफ पैटर्न। टाइप्स ऑफ पैटर्न, कि जो हमारा पैटर्न है वो कितने प्रकार का होता है। तो जो हमारे पास पैटर्न है वो हमारे पास आते हैं लगभग 10 प्रकार के पैटर्न होते हैं, हमारे पास 10 टाइप्स होते हैं पैटर्न के, अलग अलग से पैटर्न होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले नाम लिखते हैं, सबसे पहले होता है वन पीस पैटर्न। सबसे पहले जो पैटर्न है हमारे पास वो कौन सा है, वन पीस पैटर्न, वन पीस पैटर्न। दूसरा जो होता है वो होता है स्प्लिट पैटर्न। जो हमारे पास दूसरा पैटर्न है, पैटर्न का नाम क्या है, स्प्लिट पैटर्न, ठीक है, स्प्लिट पैटर्न। थर्ड नंबर पे हमारे पास पैटर्न है मल्टी पीस पैटर्न, मल्टी पीस पैटर्न, ठीक है, इसको मल्टी पीस पैटर्न भी बोल सकते हैं और लूज पैटर्न भी बोल सकते हैं, ठीक है, मल्टी पीस पैटर्न भी और लूज पैटर्न भी, ठीक है, इसके दो नाम होते हैं। हम इसको मल्टी पीस पैटर्न के नाम से भी जान सकते हैं और लूज पैटर्न के नाम से। इसके बाद मैच प्लेट पैटर्न, मैच प्लेट
पैटर्न, ठीक है, मैच प्लेट पैटर्न। फाइव के नंबर पे हमारा आ जाएगा कॉप एंड ड्रैग पैटर्न, कॉप एंड ड्रैग पैटर्न, ठीक है। आगे हमारा क्या है, स्वीप पैटर्न, ठीक है। नंबर सिक्स पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्वीप पैटर्न, स्वीप पैटर्न, ठीक है। और नंबर सात हमारे पास क्या है, स्केल्टन पैटर्न, स्केल्टन पैटर्न, ठीक है, स्केल्टन पैटर्न। और हमारे पास नेक्स्ट है जो नाइन नंबर पे आएगा, ठीक है, ये हमारे कहां पे हो गए, सात नंबर पे, ठीक है। आठवें नंबर पे हम बात कर लेंगे गेटेड पैटर्न की, गेटेड पैटर्न। और नाइन नंबर पे हमारे पास आ जाएगा सेगमेंट, सेगमेंटल पैटर्न, ठीक है, फॉलो बोर्ड और सेगमेंटल, सेगमेंटल मेंटल पैटर्न। और नंबर टेन पे आ जाएगा फॉलो बोर्ड पैटर्न, ठीक है, फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, टाइप्स ऑफ पैटर्न, ठीक है, टाइप्स ऑफ पैटर्न, ठीक है, सेगमेंटल, ठीक है, सॉरी सेगमेंटल पैटर्न, इकट्ठा लिख देते हैं, सेगमेंटल, ठीक है, सेगमेंटल पैटर्न और फॉलो बोर्ड पैटर्न, ठीक है। एक बार फिर से सुन लो, हमारे पास क्या है, हमने किया टाइप्स ऑफ पैटर्न, तो हमारे पास क्या है, दस प्रकार के पैटर्न्स के होंगे, वन पीस पैटर्न, फिलिप पैटर्न, पैटर्न मल्टी पीस पैटर्न को हम लूज पैटर्न भी बोल देंगे, मैच प्लेट पैटर्न, कॉप एंड ड्रैग पैटर्न, स्वीप पैटर्न, स्केल्टन, गेटेड, सेगमेंटल और फॉलो बोर्ड पैटर्न। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, ये हमारे क्या है, दस प्रकार के पैटर्न है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे वन पीस पैटर्न के बारे में, कि वन पीस पैटर्न क्या होता है। तो वन पीस पैटर्न के अंदर क्या है हमारा, सिंपल इस तरह से क्या होगा, एक पीस का पैटर्न बना होगा, सिंपल क्या होगा हमारे पास, इस तरह से क्या है, एक पीस क्या है उसका क्या है, पैटर्न बना होगा, ठीक है। सेगमेंटल ये हमारा कौन सा है, वन पीस पैटर्न। तो वन पीस पैटर्न सुनो क्या होता है, द पैटर्न आर मेड इन वन पीस विदाउट ज्वाइंट पार्टिंग और लूज पीस। एक ऐसा ज्वाइंट, एक ऐसा पैटर्न जिसके अंदर सिर्फ एक पीस हो, उसके अंदर कोई भी पार्टिंग लाइन, कोई भी लूज पीस, ठीक है, और कोई भी ज्वाइंट ना हो, ठीक है। सिंपल हमारे पास एक पार्ट है, वो पार्ट के अंदर ना तो कोई ज्वाइंट है, ना ही लूज पीस है, ना ही कोई पार्टिंग लाइन है, तो उस पीस को बोलते हैं वन पीस पैटर्न, कि द पैटर्न आर मेड इन वन पीस, कि एक ऐसा पैटर्न जो एक पीस का बना हो विदाउट एनी ज्वाइंट, उसके अंदर किसी भी प्रकार का ना तो ज्वाइंट हो, ना पार्टिंग लाइन हो, और ना ही उसके अंदर लूजिंग पीस हो, उसको हम बोलते हैं वन पीस पैटर्न, उसको हम क्या बोलेंगे, वन पीस पैटर्न। और ये हमारा सबसे पुराना एक सिंपल सा पैटर्न है, ये हमारा क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ पैटर्न, ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म है पैटर्न की। इसका यूज हम करते हैं लार्ज सिंपल कास्टिंग, मेकिंग ए फ्यू लार्ज साइज सिंपल कास्टिंग। ये हमारा वुड का या मेटल का बना होता है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, वन पीस पैटर्न, ये हमारा वन पीस पैटर्न होता है, ठीक है, वन पीस पैटर्न। इसके अंदर किसी भी प्रकार का, सिंपल एक पीस होता है, वन पीस होता है, किसी भी प्रकार का ना तो इसके अंदर ज्वाइंट होता है, ना पार्टिंग लाइन होती है, और ना ही इसके अंदर कोई लूजिंग पीस होता है। ये सबसे पुराना सिंपलेस्ट फॉर्म है पैटर्न की। इसका यूज हम करते हैं कुछ लार्ज कास्टिंग को तैयार करने के लिए। इसके अलावा जो हमारा ये वन पीस है, ये या तो वुड का बना होता है या फिर मेटल का बना होता है, वो अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, कि हमने कितना प्रोडक्ट्स तैयार करने हैं, अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी, ठीक, जो भी हमारी वुड है या मेटल है, वो डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ कास्टिंग टू बी प्रोड्यूस, कि जो हम कास्टिंग है वो कितनी क्वांटिटी में हम कास्टिंग प्रोड्यूस करना चाहते हैं, उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि वन पीस पैटर्न हमारा वुड का होगा या फिर मेटल का होगा, ठीक है। वुड का भी बना सकते हैं हम वन पीस पैटर्न को, और मेटल का भी बना सकते हैं, ठीक है। इसका हम यूज किस लिए करते हैं, गेट कटिंग के लिए। जो इसका हम यूज कहां पे करते हैं, गेट कटिंग के लिए यूज की अगर बात करें तो गेट कटिंग हो गया, ठीक है, जैसे हमारे रनर होते हैं, रनर्स में भी हम इनका यूज कर लेते हैं, ठीक है, रनर्स हो गया, गेट कटिंग हो गया। इसके अलावा राइजर होते हैं, तो राइजर में भी हम यूज कर लेते हैं वन पीस पैटर्न का। हम किसका यूज कर लेते हैं,
वन पीस पैटर्न का। तो एक बार फिर से देख लो वन पीस पैटर्न क्या होता है। वन पीस पैटर्न हम एक ऐसे पीस को बोलते हैं जिसके अंदर सिर्फ एक पीस होता है और वो बिना किसी ज्वाइंट के, एक हमारे पास पीस होगा उसके अंदर ना तो कोई ज्वाइंट होगा ना लूजिंग पार्ट होगा और ना ही इसके अंदर पार्टिंग लाइन होगी, ठीक है, उसको हम बोल देंगे वन पीस पैटर्न। और वन पीस पैटर्न हमारा सबसे पुराना सिंपलेस्ट फॉर्म है पैटर्न की। उसके बाद ये जो बनी होती है ये वुड या मेटल की बनी होती है, वो डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ कास्टिंग पे कि हम कितनी कास्टिंग प्रोड्यूस करना चाहते हैं। अगर हम कास्टिंग ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम ज्यादा प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तब हम यूज करेंगे मेटल के रूप में। लेकिन अब हम अगर हम कुछ सीमित मात्रा में लिमिटेड, ठीक है, हम यूज कर रहे हैं लिमिटेड प्रोडक्ट तैयार कर रहे हैं, तब हम जो पैटर्न है उसको वुड का भी तैयार कर सकते हैं हम, ठीक है, लकड़ी का भी पैटर्न बना सकते हैं। इसके अलावा हमने क्या बात किया कि इसका हम यूज किस लिए करते हैं, जो हम वन पीस पैटर्न है ना, वन पीस पैटर्न का हमने गेट कटिंग वगैरह, रनर्स हो गए, राइजर्स होंगे, तो वहां पे हम यूज कर लेते हैं वन पीस पैटर्न का। हम किसका यूज कर लेते हैं, वन पीस पैटर्न का, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी, नेक्स्ट लेक्चर में आगे हम बात करेंगे स्प्लिट पैटर्न, मल्टी पीस पैटर्न, जो हमारे बचे हुए पैटर्न है, जो टाइप्स ऑफ पैटर्न है ना हमारे बचे हुए, हमने अभी सिर्फ एक के बारे में बात की, जो हमारे 9 बचे हुए पैटर्न्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना काफी।